एचआईवी में हम लोगों ने देख लिया था वायरस कैसे बॉडी के अंदर जाएगा और कैसे किन सेल्स को इफेक्ट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि वायरस ये कैसे ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे हम किसी मॉस्किटो को ब्लेम नहीं कर सकते, इट इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज, मॉस्किटो के थ्रू नहीं फैलता है। यूरिन में बहुत कम वायरल लोड होता है, सेलाइवा में बहुत कम स्टूल और टीयर्स और स्वेट। इसका मतलब हम लोग किसी से हैंड शेक कर सकते हैं, किसी को हक कर सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो किसी को किस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपका वायरल ट्रांसमिशन नहीं होगा एचआईवी का। सेकेंड थिंग इज कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करें यहाँ पे जिससे वायरस, जिससे एचआईवी का कोई लेना देना ना हो, है ना। तो पहली चीज वही है, क्लोज्ड कॉन्टेक्ट, देन हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, एक साथ आप लोग डिनर वगैरह कर सकते हो, स्विमिंग पूल जा सकते हो, स्कूल में स्टडी कर सकते हो और स्कूल में गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों से एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब मैं केवल ये बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में कि किन किन तरीके से एचआईवी आपका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने हेडिंग भी डाल लिया था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन ये बताना जरूरी था कि किससे ये नहीं फैलता है ना। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन में अब देखते हैं, वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग रूट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पेरेंटल ट्रांसमिशन। जैसे मान लो जब ब्लड आप डोनेट करते हो तो आपकी स्क्रीनिंग होती है ना। अगर वहां पे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ अगर डोनर एचआईवी पॉजिटिव था तो वहां पे एचआईवी वायरस चला जाएगा। और यहाँ पे तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे अगले के वेन में ही करोगे, ब्लड में ही करोगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पेरेंटल, है ना, मतलब यहाँ पे ब्लड में कोई चीज इनोकुलेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए, एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, है ना। जैसे किसी को हम लोग होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं, है ना, किसी को हम लोग केवल आरबीसी दे सकते हैं, किसी को केवल प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, किसी को केवल प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए, हो सकता है किसी को केवल पीआरबीसी की जरूरत हो, प्योर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, जिसको पीआरबीसी कहते हैं। मान लो किसी को एनीमिया हो, है ना, तो ऐसे केसेस में होल ब्लड देने का क्या फायदा। अगर प्लेटलेट भी कम हो, डब्ल्यूबीसी भी कम हो तो होल ब्लड दो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पीआर, कभी कभी हम लोग प्लाज्मा चढ़ाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या मिल जाता है, हमारी प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडीज मिल जाएंगी और दूसरी चीज क्लॉटिंग फैक्टर्स मिल जाएंगी। तो अक्सर अगर कोई ब्लीड कर रहा होता है तो हम लोग एफएफपी चढ़ाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना, जिसको हम लोग एफएफपी कहते हैं। तो जब हम लोग किसी को होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लाल खून ले आओ, ठीक है, पेशेंट के अटेंडेंट से, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। या प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट में हम लोग कहते हैं सफेद खून चढ़ेगा, ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आरबीसी या होल ब्लड से रिलेटेड हो, ब्लड प्रोडक्ट, है ना, ब्लड प्रोडक्ट भी ट्रांसफ्यूज करोगे तो आया तो ब्लड से ही है, तो वहां पे वायरस भी आ सकता है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग ड्रग्स आपके क्या कहते हैं फूंकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ड्रग्स आईवी भी लेते हैं। तो आईवी ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो लोग सिरिंज शेयर करते हैं, ठीक है, जो ड्रग लेने वाले कभी अकेले चुपके से ड्रग नहीं लेते, तीन चार लोग चिल करते होते हैं और वहां पे ड्रग वगैरह चलती रहती हैं। तो उसी नीडल से किसी ने आईवी ड्रग लिया, फिर उसी नीडल से किसी और ने लिया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नीडल स्टिक इंजरीज, नीडल स्टिक इंजरीज।
मान लो किसी पेशेंट को आपने इंजेक्शन दिया और उसी पेशेंट को एचआईवी था, वही सिरिंज आपको चुभ गई, है ना, तो आपको हो सकती है ना। और आईवी ड्रग एब्यूजर्स, ठीक है, किसी दिन ड्रग एब्यूज वगैरह पे बात करेंगे, तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी ड्रग के बारे में बताऊंगा। तो आईवी ड्रग एब्यूजर्स नीडल शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे जब कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं तो सिगरेट शेयर करते हैं, इसी तरह से जब आईवी ड्रग लेते हैं तो वहां पे निडिल शेयर करते हैं। एक्सीडेंटल नहीं है ये, तो आपका एक्सीडेंटल है। और जब ड्रग लिया जाता है तो वहां पे क्या कहते हैं, निडिल शेयरिंग होती है, जिससे हो सकता है ना इन आईवी ड्रग एब्यूजर्स। और अगर मान लीजिए आप कोई पेशेंट की किसी मदर की डिलीवरी करा रहे हो और उस समय ब्लड स्प्लैश हुआ, हाथ पे ब्लड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड ब्लड आपके माउथ में चला गया, नोज में चला गया, म्यूकोसा में चला गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पेरेंटल में एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड, स्प्लैश ऑफ फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स ऑन म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा का मतलब हो गया माउथ, नोज, आईज। जो लोग गायनी लेंगे, जिनको नॉर्मल डिलीवरी वगैरह कराना होगा, वो लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब स्पिल कर सकते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड मान लीजिए स्पिल हो गया, आपके हैंड पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आईज में चला गया, माउथ में चला गया एमनियोटिक फ्लूइड, तो इससे अगर वो इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पेरेंटल रूट से कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है हम लोगों ने देख लिया, मेनली नीडल स्टिक इंजरीज, आईवी ड्रग एब्यूजर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वायरस आपका डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच जा रहा है, ब्लड में पहुंचने के बाद वायरस विल गो आफ्टर योर CD4 सेल्स, और उसके बाद की साइकिल आप लोगों ने देख लिया है। चलिए, और इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशंस। तो जहां तक सेक्सुअल एक्टिविटी की बात किया जाए, तो मोर चांसेस इन होमोसेक्सुअल्स, है ना, तो होमोसेक्सुअल्स में चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्लड से कांटेक्ट होने का चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि एब्रेजन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकेंड, आपके हेट्रोसेक्सुअल्स में भी हो सकते हैं। अब हेट्रोसेक्सुअल्स की बात किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक मेल है और एक फीमेल है। तो फीमेल में वेजाइनल सिक्रीशंस में एचआईवी वायरस एडिक्वेट अमाउंट में होता है। मेल के सेमाइनल फ्लूइड में आपका एचआईवी वायरस प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन आपका अगर हेट्रोसेक्सुअल है, इट्स लेस देन 1%। अगर कभी सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया धोखे से ऐसा कुछ, तो 1% से कम चांस है, लेकिन वो 1% अगर इस पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई एसटीडी, जैसे मान लो सिफिलिस हो रखा है, यूटीआई हो रखा है, तो ये चांस बहुत ज्यादा हो जाता है ना। यू नेवर नो कि किसको क्या कोमॉर्बिडिटी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, अगर मेल को एचआईवी ज्यादा है तो उससे फीमेल को होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो उन लेडीज को, उन सेक्स वर्कर्स को, या जिसके भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जिन फीमेल्स के, उनमें एचआईवी मिलने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स के सेमाइनल फ्लूइड में कंसंट्रेशन ऑफ एचआईवी वायरस ज्यादा होता है ना, इन सेमाइनल फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ एचआईवी वायरस इज हाई, सो मोर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल,
मेल टू फीमेल है ना, दोनों से होगा क्योंकि दोनों के सिक्रीशंस में है, लेकिन मेल से फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब जैसे होमोसेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर एनल सेक्स होता है, एनल सेक्स में स्किन डैमेज ज्यादा होता है, एब्रेजन्स ज्यादा होते हैं, तो वायरस आपका ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से चांसेस होमोसेक्सुअल्स में ओवरऑल ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग होमोसेक्सुअल होते नहीं है, ज्यादातर लोग हेट्रोसेक्सुअल होते हैं। तो अगर नंबर देखा जाए कि कैसे फैला तो हेट्रोसेक्सुअल्स में ज्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो आपके क्या कहते हैं होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ट्रॉमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ पार्टनर हैज सम अदर एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देन चांस ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन इज हायर, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो किसी पेशेंट को सिफिलिस है, अगर सिफिलिस होगा तो और ज्यादा चांस है, अब 1% नहीं रह गया सिफिलिस। मान लो पेशेंट को या उसको यूटीआई है, ठीक है, तो अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी होगी, ठीक है, तो ये खासकर सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई और भी होगा तो ये ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। तो होमोसेक्सुअल्स हेट्रोसेक्सुअल्स दोनों में चांस है, परसेंटेज वाइज देखा जाए होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा चांस है। चलिए, तो एक पेरेंटल हो गया, एक सेक्सुअल एक्टिविटी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेरीनेटल, ठीक है। पेरीनेटल का मतलब है मदर से बेबी में हो जाए, या वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। तो आइए अब देख लेते हैं फ्रॉम मदर टू बेबी, हम लोगों ने दो देख लिया है, थर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी। मदर टू बेबी की बात किया जाए तो ये आपका इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब बच्चा होगा तब भी हो सकता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा है ना पेरीनेटल पीरियड तब भी हो सकता है, और उसके बाद भी हो सकता है पोस्टपार्टम पीरियड में भी, अगर मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, ठीक है, और मदर ने कोई भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं लिया है, ठीक है। तो ये आपका एंटीनेटल हो सकता है, एंटीनेटल मतलब मदर टू फीटस हो सकता है, पेरीनेटल हो ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के आसपास का टाइम पेरीनेटल होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, है ना। और इसके अलावा हो सकता है पोस्टनेटल हो, बच्चा पैदा हो जाए पोस्टनेटल में ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब ब्रेस्ट मिल्क में भी एचआईवी वायरस होता है। आप लोगों के ताज्जुब के लिए बता दें कि ब्रेस्ट फीडिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एचआईवी मदर में भी मना नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये मदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग से चांस कम हो जाता है। बच्चे को अगर उस समय एचआईवी नहीं हुआ है, बच्चा सही सलामत डिलीवर हुआ है, तो बच्चे को भी हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली नेविरापीन या जाइडोविडिन देते हैं और कहते हैं हाँ भाई फीड कराओ। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में जितने लोग एचआईवी से नहीं बनेंगे उससे ज्यादा लोग फॉल्टी फीडिंग से, मेल न्यूट्रिशन से डेथ हो जाती है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दो इट स्प्रेड्स बाई ब्रेस्ट मिल्क, स्टिल ब्रेस्ट मिल्क इज अलाउड इफ मदर एंड बेबी आर टेकिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ठीक है। तो हमारे पास प्री एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस और एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस का बहुत अच्छा तरीका है। मान लो किसी को निडिल चुभ जाती है कहीं पे, तो अगर वो उसके बाद एआरटी ले लेता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस के लिए तो वो सेफ रहेगा और ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर एक बार एचआईवी डिजीज हो गई तो उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है ना थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो कंटेन्स क्या चीज, एचआईवी वायरस, है ना। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड होती है अगर मदर या बेबी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसका मतलब हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लूइड की बात की थी जिससे ट्रांसमिशन नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि वायरल लोड बहुत कम होता है यहाँ पे, इतना इतना एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होता है कि इससे ट्रांसमिट हो जाए डिजीज, है ना। उतने को आपकी बॉडी ओवरकम कर लेगी अगर दो चार वायरस मिल रहा है तो। वायरस की भी इंफेक्टिव डोज होती है ना। अब ये देख लेते हैं किन किन फ्लूइड से ये वायरस आपका ट्रांसमिट हो सकता है ना, मतलब उन फ्लूइड से कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, ये आपके तीन मेन आपके मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, फ्लूइड्स दैट कैन स्प्रेड HIV वायरस। ठीक है, हम लोगों ने टीयर्स की बात की थी, स्वेट की बात की थी, यूरिन की बात की थी, स्टूल की बात की थी, ऐसी सब जगहों से आपका नहीं फैलेगा। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे आप डिलीवरी करा रहे हो, एमनियोटिक फ्लूइड से कंटामिनेशन हो गया, हो सकता है। किसी के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF, सेरिब्रो आप लंबर पंक्चर कर रहे हो किसी का और कंटामिनेट हो गया तो हो सकता है CSF से। मान लीजिए यहाँ पे सीमेन से, वेजाइनल फ्लूइड से, ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड से, तो इन सब फ्लूइड में वायरस का लोड काफी होता है, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी, मान लो मैं किसी की डिलीवरी करा रहा हूँ और एमनियोटिक फ्लूइड हाथ में लग जाता है, कोई इससे नहीं होगा, लेकिन अगर हाथ में कोई एब्रेजन होता है, कहीं कुछ कटा पिटा होता है, तो ये वायरस ब्लड तक पहुंच जाएगा, और अगर ब्लड तक पहुंच गया तो डिजीज, या अगर हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं ली तो HIV होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया किन किन फ्लूइड से HIV हो सकता है, किस किस से नहीं हो सकता है। अब देखिए, आप लोगों ने शुरू में कहा था एक HIV इन्फेक्शन है, आगे चल के जब सिम्टम्स काफी ज्यादा हो जाते हैं तो उसी को हम लोग HIV डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं कि कब हम लोग कहेंगे एड्स है। तो एड्स होने के दो क्राइटेरिया, या तो कुछ सीवियर सिम्टम्स मिल जाए, या तो आपका CD4 काउंट 200 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए। आइए देखते हैं क्लिनिकल कैटेगरी ऑफ HIV पेशेंट्स, क्लिनिकल कैटेगरी ऑफ HIV पेशेंट्स। सारे HIV पेशेंट्स एड्स के पेशेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ सिम्टम्स किसी स्टेज पे आते हैं और कुछ सिम्टम्स सीवियर स्टेज पे आते हैं। अर्ली स्टेज में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, ऐसे जब किसी को HIV होता है तो 2 से 6 हफ्ते में नॉर्मल फीवर आता है, जो एक हफ्ते में तो नहीं ठीक होता, हाँ 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। जब तक CD4 काउंट एक लेवल से कम नहीं हो जाएंगे, पर्टिकुलरली 500 से कम नहीं हो जाएंगे, तब तक शायद कोई भी सिम्टम ना आए, जिसको आप लोग क्या कहते हो, लेटेंट फेज कहते हो या एसिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन कहते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ये लिख लेते हैं, एड्स कहेंगे कब, HIV से एड्स कब कहेंगे, एड्स तब कहेंगे जब CD4 का काउंट लेस देन 200 हो जाए पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर, इससे कम हो जाए, प्लस सीवियर सिम्टम्स। अभी हम लोग देखते हैं मेनली ये सीवियर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एड्स का मतलब है वो HIV का पेशेंट एसिम्टोमेटिक नहीं है, सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक में कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स या कुछ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हो। ठीक है, आइए यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। जब किसी को HIV इन्फेक्शन होता है तो आप लोगों ने देखा था HIV इन्फेक्शन अटैक करता है CD4 सेल्स को, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम CD4 काउंट डिक्रीजेस,
और जब CD4 काउंट 500 से कम हो जाता है तो सिम्टम आने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉर्मल CD4 काउंट आपका 800 to 900 होता है पर माइक्रोलीटर CD4। अब CD4 में आप लोगों ने देख लिया था मेनली टी हेल्पर सेल्स और आपके मोनोसाइट्स, दोनों आपके इम्यून सेल्स हैं, है ना, दोनों इम्यूनिटी की सेल्स हैं। अगर ये दोनों कम हो जाएंगी तो इम्यूनिटी भी आपकी वीक हो जाएगी, जिन पैथोजन से नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता उनसे भी हो सकता है ना। नॉर्मल CD4 काउंट 800 to 900 पर माइक्रोलीटर। अब अगर आपके CD4 काउंट्स कितने से कम हो जाए, 500 से कम हो जाए, मतलब मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इफ CD4 आपका लेस देन 500 पर माइक्रोलीटर, अब सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। सिम्टम्स कौन से? ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, है ना। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इम्यूनिटी कम है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। और अगर यहीं पे इफ CD4 काउंट आपका लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर हो गया तो अब यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शंस मिलेंगे और कुछ मैलिग्नेंसीज भी मिलेंगी जिनकी हम लोग अभी बात करेंगे, और ये कंडीशन आपकी होती है एड्स, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज इक्वल टू एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम सिंड्रोम। तो हम लोग देख लेते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देख लेते हैं, क्लिनिकल कैटेगरी की बात करते हैं। क्लिनिकल कैटेगरी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैटेगरी ए, कैट ए, ठीक है। वायरस बॉडी में गया, हो सकता है आपको कभी पता ही ना लगे, ठीक है। तो ए सिम्टोमेटिक ले लीजिए, पेशेंट को कुछ पता नहीं है, ठीक है, चिल कर रहा है, बाद में कभी उसको शॉक लगेगा, एसिम्टोमेटिक है। या हो सकता है एक्यूट एचआईवी इंफेक्शन हो, जैसे कोई वायरल इंफेक्शन होता है, फीवर आता है, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। आगे चल के बात करेंगे एक्यूट एचआईवी इंफेक्शन में पेशेंट को एक हफ्ते के बजाय 3 हफ्ते तक फीवर आएगा, उसे लगेगा नॉर्मल फीवर था, ठीक हो गया, उसके बाद कोई सिम्टम नहीं आएगा 10 साल तक। फिर उसके बाद जब CD4 काउंट 500 से कम हो जाएगा तो उससे बराबर फीवर आना स्टार्ट होगा, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, कैंडिडा का इंफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्लेटलेट कम होने लगेंगे, अगर कभी चिकन पॉक्स हुआ रहा होगा तो हर्पीस जॉस्टर हो जाएगा, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तीसरी चीज, कभी कभी जिनको एचआईवी होता है उनके 3-3 महीने तक लिम्फ नोड्स बड़े रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, PGL, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी। इन सब की बात मैं बाद में करूंगी। स्टार्ट करेंगे कैटेगरी टू। अब यहाँ पे पेशेंट एसिम्टोमेटिक बिल्कुल नहीं रहेगा, अब पेशेंट को ऐसा फीवर आएगा जो ठीक ही नहीं हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं फीवर आता रहेगा बराबर, वेट लॉस होता रहेगा और डायरिया होता रहेगा, ठीक है। लिख लेते हैं परसिस्टेंट या रिकरेंट फीवर, कोई भी इंफेक्शन होगा तो फीवर होगा ही, इसके अलावा परसिस्टेंट डायरिया, वेट लॉस। वेट लॉस कब सिग्निफिकेंट कहते हैं? अगर 1 महीने में 5 kg से 5% से कम हो जाए, 6 महीने में 10% से कम हो जाए, ठीक है, बात करेंगे इन सब चीज की। डायरिया, डायरिया इंसान को 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, इनका महीनों चलता है, मोर देन 1 month, ठीक है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी साथ नहीं दे रही है। अब दो चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे
फंगल इंफेक्शन की तरफ और वायरल इंफेक्शन की तरफ, ठीक है, और एक आपका प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंगल इंफेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ ओरल थ्रस, ओरल थ्रस, ठीक है। थ्रस का मतलब है, ओरल थ्रस का मतलब है माउथ में एक मेम्ब्रेन जैसी बन जाए सफेद, तो कैंडिडा के इन्फेक्शन में ऐसा हो जाता है। ओरोफेरिंजियल थ्रस, अभी ईसोफेगस तक नहीं पहुंचे हैं, माउथ और फेरिंग्स इन्वॉल्व है, ओरोफेरिंजियल थ्रस, ठीक है, बात भी इसकी करेंगे। इसके अलावा ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, अभी इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। अब जो है एक वायरल इंफेक्शन यहाँ पे आ गया, हर्पीज जॉस्टर, है ना, हर्पीज जॉस्टर इंफेक्शन, मतलब पेशेंट को सिंगल्स मिलने लगे। चिकन पॉक्स किसी जमाने में हुआ था और ये छुप के बैठ गया था, सिंगल्स। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, सर्वाइकल डिस्प्लेजिया है, अभी जो वहां एपिथीलियम है वहां चेंज हुआ है, आगे चल के सर्वाइकल नियोप्लेजिया हो जाएगा, कैटेगरी सी में वहां सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना देख लिए हैं, परसिस्टेंट फीवर, वेट लॉस, डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, ये दोनों चीजें देखना जरूरी है, हर्पीस जॉस्टर चिकन पॉक्स में देखे हैं या देखा जाएगा, ओरल थ्रस और आपका ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फेक्शन होने लगे फंगस से जो नॉर्मल एक अच्छे इम्यूनिटी वाले इंसान को नहीं होता है, ओरल थ्रस और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हर्पीस जॉस्टर किसी को कभी चिकन पॉक्स हुआ था तो वेरिसेला जॉस्टर था, बाद में वो एक्टिव हो गया तो हर्पीस जॉस्टर हो गया, तो जैसे ही इम्यूनिटी कम हुई हर्पीज वायरस ने इम्यूनिटी को ओवरकम करके अपना इन्फेक्शन कर दिया, जिसको सिंगल्स कहते हो। सर्वाइकल कैंसर की जो एक तरह से बेस बनाता है, पहले डिस्प्लेजिया होता है फिर उसके बाद नियोप्लेजिया होता है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेजिया है और आगे चल के यही फ्रेंकली सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले ओरल थ्रस का डायग्राम, मैंने लिया तो था ओरल थ्रस का डायग्राम, ये देखिए ओरल थ्रस, ये किसी का आपने ओरल एग्जामिनेशन किया है, है ना, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये फॉल्स मेम्ब्रेन है, ये ओरल कैंडिडियासिस का लीजन है, ठीक है, तो मतलब ये कैंडिडा का इन्फेक्शन है, कैंडिडा मतलब फंगस का इन्फेक्शन है। तो इम्यूनिटी कम हुई, जो फंगस नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं भी करा पाते थे अब वो भी कराने लगे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ओरल थ्रस। ओरल कैविटी और फेरिंग्स तक ये लोग पहुंच गए हैं, है ना, तो हम लोग कहते हैं ओरो फेरिंजियल थ्रस। आगे चल के यही लीजन्स आपके ईसोफेगस तक पहुंच जाएंगे, है ना, तो हम लोग उसको कहेंगे ईसोफेजियल कैंडिडियासिस। हो सकता है यही लीजन्स आपके लंग तक पहुंच जाए तो हम लोग कहेंगे पल्मोनरी कैंडिडियासिस। ये आपका ओरल थ्रस हो गया, ठीक है, जो इसकी बात कर रहे हैं, मतलब फंगस का कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया। आइए अब एक और देखते हैं ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया क्या है, उसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम, ये थोड़ा सा अच्छा डायग्राम मिल गया है, पेशेंट काफी खुश है ल्यूकोप्लेकिया लेके। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेरी ल्यूको प्ले किया, ठीक है, यहाँ पे टंग पे एक इस तरीके से लंबा सा व्हाइट स्पॉट पड़ जाएगा, जब इसको हटा दोगे यहाँ से, इस मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो हेयर स्पाइक्यूल्स टाइप के कुछ आपको दिखेंगे, इसीलिए कहते हैं ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया, अब यहाँ ये भी देख लेना चाहिए किस ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ठीक है, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, बाई इप्स्टीन बार वायरस, आप लोगों ने इस वायरस का नाम सुना होगा, इप्स्टीन बार वायरस। अब ये सोच रहे होगे कि ऊपर हर्पीज बताया है, इप्स्टीन बार वायरस बताया है,
आगे चल के कपोसी सार्कोमा बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब एक ही ग्रुप के वायरस हैं, हर्पीज फैमिली के। ये जो आपका एप्स्टीन बार वायरस है, ये भी हर्पीज वायरस है। इसका नाम है ह्यूमन हर्पीज वायरस 4, नोन एज HHV4, ह्यूमन हर्पीज वायरस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, एक हर्पीज वायरस सिंगल्स करा रहा था, जो कि चिकन पॉक्स कभी हुआ रहा होगा, है ना। और फिर आपका आगे चल के क्या करा दिया इन्होंने, एक और हर्पीज वायरस आ गया जो ल्यूकोप्लेकिया करा दिया, है ना। तो ओरल थ्रस्ट कैंडिडा का इन्फेक्शन है और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया आपका इप्सटीन बार वायरस का है ना। इसके अलावा ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी कम सही है, तो हो सकता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का भी इन्फेक्शन हो, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। इसके भी लीजन को देख लेते हैं, हर्पीज लेबियालिस, लेबियालिस, ठीक है। तो हम लोगों ने एक हर्पीज जॉस्टर वायरस का सिंगल्स देख लिया, फिर हम लोगों ने एक और देख लिया आपका एप्स्टीन बार वायरस, जो कि हर्पीज वायरस फैमिली का ही है ना, ये ल्यूकोप्लेकिया करा देगा। और आइए एक डायग्राम देख लेते हैं जिसपे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का ही इन्फेक्शन हो, कुछ इस टाइप से। ये आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, इस लीजन की मैं बात कर रहा था, है ना। तो ये है हर्पीज लेबियालिस, हर्पीज लेबियालिस, ड्यू टू HSV। ये बहुत कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को हो जाता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से, ठीक है, HSV से है। तो हम लोग तीन हर्पीज की बात कर लिए हैं, एक हर्पीज वायरस ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 जिसको एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं, जो ल्यूकोप्लेकिया करा रहा है। दूसरा हम लोगों ने हर्पीज जॉस्टर वायरस कह दिया। तीसरा हम लोग हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म लिखा था सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, ठीक है। यहाँ पे अभी ये प्री मैलिग्नेंट लीजन है, अभी कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन अभी कैटेगरी सी की बात करेंगे तो कैंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कैटेगरी 1 कहा तो उसमें हमने कहा पेशेंट ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, या हो सकता है लिम्फ नोड बड़े हों, या हो सकता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, फीवर जैसी कंडीशन आई हो, है ना। तो चीजें काफी सिंपल है यहाँ पे। चलिए और बात कर लेते हैं कैटेगरी सी में क्या होगा, मेरे ख्याल से अभी इतना टाइम है कि हम लोग इसको डिस्कस कर सकें। आइए देखते हैं कैटेगरी सी में क्या क्या है। अब इसको एक साथ पढ़ने का मतलब है कि हम लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अभी तक वहां पे क्या था, ओरल थ्रस्ट था, ओरोफेरिंजियल थ्रस्ट था। अब यहाँ पे ईसोफेजियल या पल्मोनरी कैंडिडियासिस, इसका भी डायग्राम दिखा देंगे। अब जो इन्फेक्शन है वो काफी डीप चला जा रहा है, ओरोफेरिंजियल या पल्मोनरी कैंडिडियासिस, वही कैंडिडा का इन्फेक्शन और ज्यादा विसरल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच गया है। वहां पे सर्वाइकल डिस्प्लेजिया था, यहाँ पे सर्वाइकल नियोप्लेजिया हो गया, मतलब इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो कुल मिला के एक कैंसर ये हो गया, है ना। दूसरा कैंसर यहाँ पे होता है कपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा, अभी इनकी बात करेंगे डिटेल में। तीसरा कैंसर यहाँ पे होता है लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा सबसे ज्यादा कॉमन होता है, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फ नोड का कैंसर लिम्फोमा, ब्लड वेसल में एंडोथीलियम का कैंसर कपोसी सार्कोमा, सर्विक्स का कैंसर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, ये तीन हो गए। अब जो फंगल इन्फेक्शन थे उस तो होंगे ही, आपका कैंडिडा यहाँ पे मिल ही चुका है। इसके अलावा क्रिप्टोकॉकस से मेनिनजाइटिस हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियासिस हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। और कुछ आपके प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं यहाँ खेल में, प्रोटोजोआ में टॉक्सोप्लाज्मा और दूसरा आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका की प्रोलॉन्ग्ड डिसेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीन कैंसर्स हो गए, कैंसर्स।
इसके अलावा कुछ और प्रोटोजोन डिजीज भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है होना। प्रोटोजोन डिजीज में जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियासिस, बहुत लंबे टाइम तक दस्त होते रहेंगे, क्रिप्टोस्पोरी डियोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टो स्पोरी डीएम से होगा, अभी बात करेंगे। इसके अलावा आइसो स्पोरा के इंफेक्शन हो सकते हैं, ये भी आपका प्रोटोजोन है, आइसो स्पोरा। या टॉक्सो प्लाज्मा, टॉक्सो प्लाज्मा, इन सब का इंफेक्शन हो सकता है। टॉक्सो प्लाज्मा का होगा तो हम लोग कहेंगे टॉक्सो प्लाज्मोसिस, टॉक्सो प्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। तो प्रोटोजोन भी आपके, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो गए, प्रोटोजोन इन्फेक्शंस। अब हम लोग वायरस पे और आगे आते हैं, ठीक है। अभी तक एप्स्टीन बार वायरस और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस था, अब आपका और आ जाएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपका और मिल जाएगा साइटोमिगेलो वायरस, साइटोमिगेलो वायरस, साइटो मिगेलो वायरस, ये आपका एनकेफलाइटिस भी करा देगा, रेटिना का इन्फ्लेमेशन करा देगा, रेटिनाइटिस, ब्लाइंड हो सकता है आपका पेशेंट इसकी वजह से, ठीक है। और एचआईवी की वजह से इंसान भुलक्कड़ हो जाता है, एड्स रिलेटेड डिमेंशिया, या हम लोग कहते हैं एचआईवी इनकेफलोपैथी हो सकता है, ठीक है, एचआईवी वायरस से डायरेक्टली। कपोसी सार्कोमा भी यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसके लिए भी एक अपॉर्चुनिस्टिक वायरस ही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कपोसी सार्कोमा का मतलब है ब्लड वेसल में जो एंडोथीलियम होता है उसका कैंसर, यहाँ पे एक वायरस होता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ठीक है, अभी इसकी बात कर लेंगे। तो सीएमई हो गया, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 हो गया, है ना। इसके अलावा एचआईवी वायरस डायरेक्टली डिमेंशिया करा सकता है। हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को टीबी ना हो, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीबी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से तो होगा ही, इसके अलावा एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया से होगा, ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू टिपिकल माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम एंड ए टिपिकल माइको बैक्टीरिया, ए टिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया हम लोगों में टीबी नहीं करा सकते हैं, हम लोगों में माइको बैक्टीरियम टीबी कराता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। अब जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है ढेर सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग इसी को माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं, माइकोबैक्टीरियम एवियम एंड माइको बैक्टीरियम इंट्रासेल्युलरी, इंट्रा सेल्युलरी, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं माइको बैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोगों ने कह दिया एमएसी, इनके ट्रीटमेंट में एमएसी ही देंगे, मतलब बाकी एंटी ट्यूबरकुलर के साथ एमएसी निमोनिक, मतलब मैक्रोलाइट्स देंगे, मैक्रोलाइट्स मतलब इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी आपको ट्रीटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। मैक्रोलाइट्स एग्जाम्पल क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो टिपिकल टीबी तो हो ही सकता है इनको, क्योंकि वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा, उन माइकोबैक्टीरियम से भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है जिससे हमें टीबी नहीं होता। तो टिपिकल माइकोबैक्टीरियम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे हम लोगों को टीबी होता है। ए टिपिकल कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें मेनली माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेल्युलरी, इनसे नॉर्मली इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान को टीबी नहीं होता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये भी टीबी करा देते हैं, और इनको ट्रीट करना काफी टफ होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो दोगे ही,
यहाँ पे इनका शॉर्ट फॉर्म मैक है और इनको मैक्रोलाइट्स देंगे, दैट इज क्लेरिथ्रोमाइसिन। कुछ डायग्राम और दिखाते हैं आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, ये डायग्राम किसी के कपोसी सार्कोमा वाले पेशेंट की है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रेड स्पॉट्स मिल रहे हैं, रेड या हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स, यही आपका कपोसी सार्कोमा है। तो एचआईवी के इन्फेक्शन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अलावा मैलिग्नेंसीज भी मिलती है, कैंसर भी मिलते हैं उसमें। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, किससे होगा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। कुल मिला के देखा जाए ये क्यों हुआ, ये भी आपके हर्पीज वायरस से ही हुआ है, ठीक है। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ठीक है। तो ये कपोसी सार्कोमा है। अब आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं, ईसोफेजियल और पल्मोनरी कैंडिडियासिस। पहले हम लोगों ने ओरल थ्रस्ट देखा था, अब हम लोग देख ले रहे हैं कि वही चीज और डीप हो गई। यहाँ पे किसी पेशेंट को की एंडोस्कोपी की गई और आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यही आपका ईसोफेजियल कैंडिडियासिस है। पेशेंट की एंडोस्कोपी की गई, ठीक है, एक फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप डाला गया, वहां पे कैमरा है। तो ये ईसोफेगस की पिक्चर है, पहले फेरिंग्स और ओरल म्यूकोसा में था तो हम लोग ओरल थ्रस कहते थे, वही चीज डीप हो गया तो हम लोग ईसोफेजियल कैंडिडियासिस कहते हैं। यही चीज पल्मोनरी सिस्टम तक पहुंच गई, लंग तक पहुंच गई तो हम लोग पल्मोनरी कैंडिडियासिस कहते हैं, ठीक है। तो चीजें कितनी सिंपल हैं, इसको दोबारा कैटेगराइज करते हैं। जब हम कैटेगरी वन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ज्यादा कोई बात नहीं करते, हम कहते हैं पेशेंट ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है। कैटेगरी टू की जब बात करते हैं तो सिम्टोमेटिक है और सिम्टम्स आपके बहुत सीवियर नहीं है, बट लेस सीवियर है ना। तो कैटेगरी टू इधर लिख लेते हैं, कैटेगरी थ्री इधर लिख लेते हैं। तो चीजें यहाँ पे बहुत ही सिंपल हैं। टू में अगर हम लोग कहेंगे कैंडिडा का ही इन्फेक्शन हमने दिखाया सबसे पहले फंगल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ओरल थ्रस, अभी लिमिटेड टू ओरल कैविटी और फेरिंग्स तक। यहाँ पे हम लोगों ने कैंडिडा का ही इन्फेक्शन दिखाया और डीप कर दिया इनको, कहाँ तक कर दिया, फेरिंजियल या पल्मोनरी कैंडिडियासिस, पल्मोनरी कैंडिडियासिस, ठीक है, बहुत ही सिंपल रहा। कैटेगरी थ्री में बाकी एंटी फंगल भी होंगे, फंगल इन्फेक्शंस, जैसे हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकॉकस फंगस का हो गया तो हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है, इससे भी मेनिनजाइटिस वगैरह हो सकता है। कुछ प्रोटोजोन इन्फेक्शन वहां पे बढ़ गए, जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, है ना, और कुछ वायरल भी वहां पे जाके इंक्रीज कर गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अदर फंगल इन्फेक्शन, अदर फंगल इन्फेक्शन, क्रिप्टोकॉकस, क्रिप्टोकॉकस से होगा, जिसको क्रिप्टोकॉकोसिस कहोगे, ये मेनिनजाइटिस कराएगा, मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और सीवियर होते जा रहे हैं। तो इतनी चीजें तो हम लोगों ने देख लिया, फंगल, फंगल इन्फेक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन की तरफ, और कौन से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि हर्पीज जॉस्टर वायरस है ना, ये भी आपका एक हर्पीज वायरस है, जिससे आपका सिंगल्स हो जाएंगे, है ना, मतलब चिकन पॉक्स आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा लेकिन पूरी बॉडी में नहीं रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने कह दिया था एप्स्टीन बार वायरस, जिसको ह्यूमन हर्पीज वायरस ही कहते हो, 4। इससे क्या होता था, ओरल हेरी ल्यूको प्लेकिया, है ना। तो दो वायरस यहाँ आपके पीछे पड़ गए, लेकिन अब हम लोग इधर आते हैं, इधर आपका हर्पीज वायरस 8 की तरफ चले जाइए, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, अगेन हर्पीज वायरस, ये क्या कराएगा, कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा के बारे में एक लाइन, जो ब्लड वेसल होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोथीलियम,
ब्लड वेसल की एंडोथीलियम का कैंसर है, एंडोथीलियम कैंसर, ठीक है। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 हो गया। अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे साइटोमिगेलो वायरस भी आ गया है ना, HIV एनकेफलोपैथी की हम लोगों ने बात किया ही था। तो यहाँ पे ह्यूमन जॉस्टर वायरस और ह्यूमन हर्पीज वायरस 4, यहाँ पे साइटोमिगेलो वायरस और ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। अब आइए कुछ प्रोटोजोआ के भी इन्फेक्शन देख लेते हैं। ये आपके हो गए वायरल इन्फेक्शन, वायरल। अब प्रोटोजोन इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोटोजोन इन्फेक्शन ऑलमोस्ट निल, यहाँ पे हो सकता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से डिसेंट्री हो जाए, है ना। अगर स्टूल में ब्लड भी आए, लूज स्टूल में, तो हम लोग डिसेंट्री कहते हैं एंटमीबा का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं क्रिप्टो स्पोरी डीएम, है ना, ये भी डायरिया कराएगा। इसके अलावा टॉक्सो प्लाज्मोसिस, ये ब्रेन का इन्फेक्शन कराएगा, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ब्रेन का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोन इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल की बात किया जाए तो होगा ही। अब यहाँ पे एक लाइन हम लोग कैंसर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल डिस्प्लेजिया है। आप लोग देखोगे ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, अभी मैलिग्नेंसी या कैंसर नहीं हुआ, प्री मैलिग्नेंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो और भी कैंसर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सर्वाइकल, फ्रैंक सर्वाइकल कैंसर, और दूसरा लिम्फ नोड का कैंसर, बर्किट्स लिम्फोमा, है ना, और तीसरा हम लोगों ने ऊपर देखा है इन्फेक्शन में भी देख लिया था कपोसी सार्कोमा, ठीक है। ये आपका हो गया कैंसर्स, ठीक है। तो जब हम लोग कहते हैं किसी HIV के पेशेंट को एड्स का पेशेंट, तो चाहे CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाए, लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर, और आपका तीसरा चीज है कैटेगरी सी, ठीक है। आइए